शिवपुरी थाने में एक फरियादी ने आकर सूचना दर्ज कराई थी कि दिनांक 17/9/2021 को करीब शाम 5 बजे ड्राइवर ट्रक फतेहपुर चौराहे के समीप खड़ा कर चाबी देकर चला गया था। सुबह देखने गए तो उक्त जगह पर ट्रक नहीं मिला, कोई अज्ञात चोर ट्रक को चुरा कर ले गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश सिंह चंदेल द्वारा आरोपी गणों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। तत्काल कार्यवाही करते हुए अति पुलिस अधीक्षक शिवपुरी प्रवीण कुमार भूरिया और SDOP शिवपुरी अजय भार्गव के मार्गदर्शन में चोरी गए ट्रक और अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 3 पुलिस टीमें गठित की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु CCTV कैमरे खंगाले गए एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी से एक आरोपी थाना बैराड़ जिला शिवपुरी का हिस्ट्री सीटर है, जिस पर थाना बैराड़ एवं ग्वालियर में लूट एवं ATM से लूट के गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। उक्त आरोपियों से अन्य चोरी किए गए वाहनों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये 17-18 तारीख की रात में एक ट्रक चोरी गया था, इसकी सूचना सुबह इनके मालिक द्वारा दी गई थी थाना कोतवाली में। इसमें तत्काल पुलिस टीम को कोतवाली TI बादाम सिंह यादव, SDOP अजय भार्गव और एडिशन भी हमारे प्रवीण भूरिया साहब ने सक्रिय कर दिया था और लोगों से लगातार अलर्ट भी किया था। इसमें चूँकि समय जब थोड़ा देखा गया तो पता चला कि रात में 12:30 बजे ही ट्रक चला गया है, पोरी तरफ गया है। पोरी से आगे इसकी सर्चिंग करते हुए और जगह जगह पर पूछताछ करते हुए फाइनली पुलिस टीम जो है दौसा में इसको लोकेट कर पाई कि इस ट्रक के साथ में एक कार भी है, स्विफ्ट कार, और स्विफ्ट कार जो लोकल शिवपुरी की है, उसे उनको आइडेंटिफाई किया गया आरोपियों को। फिर उस स्विफ्ट कार का इन्होंने बहुत अच्छे से लगातार पीछा किया, स्विफ्ट कार में 2 आरोपी पकड़े हैं जिन्होंने पूरी घटना कबूल करी। उन्होंने फिर एक व्यक्ति का जयपुर का पता बताया, जयपुर के व्यक्ति से बात करने के बाद में वो कुमावत गैरेज करके एक है नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान में, जहाँ पे ट्रक को बरामद किया गया, वहाँ से ट्रक लाने में हमको पुलिस टीम को सफलता मिली है। 72 घंटे के अंदर लगातार पुलिस टीम लगी रही है। इसमें हमारे उप निरीक्षक दीपक पालिया ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके साथ में जगदीश और सलमान भी थे, बाकी जो इनके और साथी थे जिनके बारे में जानकारी थी तो हमारे TI कोतवाली और उनकी टीम ने उनको पकड़ा है, बाकी लोगों को इस तरह से हम लोग 4 लोगों को पकड़ा है। कितने आरोपी है सर, कोई गैंग का या इनके खिलाफ कोई मामले वगैरह? ये चूँकि अभी ही पकड़ा है तो हम इसके बारे में पता कर रहे हैं, जहाँ तक लग रहा है कि काफ़ी उम्मीद है इसमें। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं इनमें से एक तो यहाँ पे किसी अपने मालिक की गाड़ी चलाता है, स्विफ्ट कार जो पकड़ी गई है, कार भी पकड़ी गई है, ट्रक भी बरामद हुआ है, तो उसका ये अपने मालिक को झूठ बता के गया था वो, और उसके साथ में दूसरा आरोपी गया था, वो आरोपी हिस्ट्री शीटर है बैराड़ थाने का, और उसको ग्वालियर में भी ATM वगैरह में लूट वगैरह करने का अपराध पंजीबद्ध है। इसके अलावा एक साथी इनको अजमेर में मिला था, जिसकी भी एक रिश्तेदारी यहीं पर शिवपुरी में है, और जिसने बेचने का जहाँ पे गया गैरेज में वहाँ ले जाने में उसकी प्रमुख भूमिका थी। अभी ये लोग पकड़ा है, इनसे पुलिस रिमांड में लेके इनको पूछताछ कर रहे हैं कि और कई वारदातें इन्होंने की होंगी निश्चित तौर पर, तो वही पता लगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।